चाचा जी, कई लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल को रखते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, लेकिन कौन सी वस्तुओं को लड्डू गोपाल के सामने नहीं रखना चाहिए? ऐसा करने से उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अभी लड्डू गोपाल की पूजा हर घर में हो रही है, हर परिवार में लड्डू गोपाल का फोटो, लड्डू गोपाल का मूर्ति लेकर के लोग रखते हैं घर में, लेकिन कुछ लड्डू गोपाल को रखने में सावधानी की आवश्यकता है। आजकल लोग लड्डू गोपाल को डलिया में लेकर के सिनेमा घर भी ले जा रहे हैं, लेकिन ये सब फैशन नहीं है। लड्डू गोपाल को हर जगह घुमाने का नहीं है, साफ़ सुथरा जगह घर का ठाकुरबाड़ी में आप लड्डू गोपाल को रखें, जहाँ एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो। भगवान को जो है, भगवान के सामने टूटी फूटी कोई सामान, कोई वस्तु, गंदा जगह नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा सजावट का सामान भी लड्डू गोपाल के पास नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से लड्डू गोपाल को भोग अवश्य लगाएं। आपके घर में यदि सात्विक भोजन बनता है तो लड्डू गोपाल को आप घर का बना हुआ सामान भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, भोग लगाने के बाद ज़्यादा देर तक वह भोग भगवान के पास पड़ा हुआ न रहे। और जैसे कि भोग लगाए, घंटी बजाए, तुलसी डाले, थोड़ा देर तक भगवान को अर्पण करने दें, इसके बाद उस थाली को उठा करके आप बगल में ले जाएं, वहाँ न रखें। भगवान को गंदे कपड़े कभी नहीं पहनाएं, गंदे कपड़े पहनाने से हानि होगी, और जहाँ रखेंगे अगल बगल में कोई दूसरा फोटो या मूर्ति जो कटा हुआ टूटा हुआ हो वो न रखें। और ध्यान रखें कि तामसिक भोजन का कभी भी लड्डू गोपाल को भोग न लगे, भगवान को अपने बच्चे समझ करके लालन पालन करें।